हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक और नए व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर अपने बसंती का सर्विसिंग कराने के लिए। ऐसे सर्विसिंग कराने का मन नहीं था, क्या है कि ज़्यादा चलती भी तो नहीं है, घर में लगी हुई रहती है, लेकिन कंपनी से बार बार फोन आ रहा है कि आइए सर्विसिंग कराइए, सर्विसिंग कराने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका सर्विसिंग कैसा होता है और क्या क्या इसमें लगता है, कितना का खर्चा आता है। तो भाई, आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। क्या, कौन सा सर्विसिंग है? नट होल्ड कसने वाला। अरे मेरा मतलब है कौन सा सर्विसिंग वाला? सर्विसिंग कंपनी वाला सर्विसिंग करेगा। अच्छा अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कैमा नंबर सर्विसिंग है? गाड़ी तो आपका है और मेरे अंदाज से चौथा या पांचवा सर्विसिंग होगा। हाँ सही बात है। तो गाइस, आज है हमारे बसंती का पांचवा सर्विसिंग, तो चलिए देखते हैं और करवाते हैं इसका सर्विसिंग। गाड़ी लिए हुए हमको कितना दिन हो गया? हमको क्या मालूम, गाड़ी आपका है कि मेरा है? शायद 2 साल हो गया। तो चलिए देखते हैं हमारे बसंती का सर्विसिंग में कितना खर्चा आता है और करवाते हैं तो बसंती का सर्विसिंग। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, बकचोदी भरे ब्लॉग में। ओए हेलमेट पहनो, चलो चलते हैं। क्या नहीं पहनेगा, सर दुखाने लगता, बहुत भारी हेलमेट है। डेढ़ किलो का हेलमेट है, पहनो। नहीं पहनेंगे, चलिए। सेफ्टी जरूरी है, जो होगा से देखा जाएगा, चलिए नहीं पहनेंगे। सेफ्टी जरूरी है, पहनो। आप पहन लीजिए, हम नहीं, हम तो पहन में करेंगे लाभ। तुम नहीं पहनेगा तो हम पहन लेते हैं। तो गाइस, हम घर से निकले ही थे, आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे। क्या आपने घर से बाईपास तक पहुंचे तब तक हमारे रानी का सॉरी हमारे बसंती का पिछला वाला टायर लगता है पंक्चर हो गया। क्या है कि पिछले 4 दिन से लगातार हवा डलवा रहे हैं, फिर भी हवा निकल जा रहा है। चलिए दिखवा ही लेते हैं, क्योंकि रास्ते में फिर अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो उधर दुकान होगा नहीं। पंक्चर चेक करने के बाद पता चला है कि एक जगह नहीं, दो जगह पंक्चर है। हट तो रे, देखिए कितना बड़ा कांटी गया है, टेंटो वाला कांटी है। अरे छुटका है, सुई गारा था मेरे में तो ना, यही कांटी है साला। सब मेरे गाड़ी में काहे आता है रे? मेरे में नीडल गारा था, नीडल समझ ही तारा। अच्छा एक नहीं दो पंक्चर था। हाय गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर सर्विसिंग के लिए, तो ब्लॉग बनाने तो गाइस चलिए मुजफ्फरपुर। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मयंक टीवीएस के एजेंसी में। एजेंसी से हमें कोई लेन देना नहीं है, चलिए चलते हैं सर्विसिंग एरिया में। अंदर 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 लगा वहीं पे। अभी हम हैं मयंक टीवीएस के सर्विसिंग एरिया में, हमारी बसंती पार्क हो गई है, थोड़ी देर में सर्विस एरिया में चली भी जाएगी सर्विसिंग के लिए। चलिए तब तक हम बाकी सब देख लेते हैं, कार्ड वार्ड बनवा लेते हैं इसका। चलो गाइस, हमारी बसंती जब तक सर्विसिंग एरिया में खड़ी है, हम भी आ जाते हैं वेटिंग रूम में बैठने के लिए। बहुत कर ले वेटिंग रूम में वेट, चलते हैं गाड़ी देखने के लिए। अपना वाला पता चलेगा, कुछ बनाया ही नहीं और बोल दिया सर्विसिंग भी हो गया, चलिए चलते हैं। लग गया, लगभग 3 से 4 घंटा हमें लग गए यहाँ पे। वैसे फिफ्थ सर्विस था, पूरा पार्ट पार्ट खोल के सर्विसिंग किया गया है। तो अब हमारी बसंती घर जाने के लिए हो चुकी है रेडी। तो बात करें इसके खर्चे की, तो टोटल इसमें आया है 1478 रुपये खर्चा, ज़्यादा का खर्चा आया नहीं है। कहाँ चलेगा बोलो? गोबरशाही। गोबरशाही? हाँ, गोबरशाही जाके क्या करेगा? गोबर नहीं खाएंगे यार, हम तो बिरयानी खाएंगे, तुम गोबर खाओ। हम बिरयानी खाएंगे, आप गोबर। चलो किधर
देखो मैप पे मारो कहाँ है गोबरसाही, चलो गोबरसाही चलते हैं। हमारे बसंती का सर्विस तो कंप्लीट हो गया और लगभग 3-4 घंटे हम लोग बैठे हैं वेटिंग रूम में, तो बैठे बैठे हमें भूख भी लग गया, तो अभी हम निकल रहे हैं गोबरसाही चौक के लिए। सुने हैं लालजी बिरयानी बहुत फेमस बिरयानी है यहाँ का, तो चलिए देखते हैं हम भी कैसा लगता है, अभी खा के देखते हैं आखिर क्या है, कैसा टेस्ट है यहाँ का। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए गोबरसाही चौक, जिसको सब्जी मार्केट भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इधर कहाँ है लालजी बिरयानी, कहीं दिख रहा है मसाला बिरयानी दिखाई दे रहा है सामने गाइस, ये रहा लालजी मसाला, लालजी भाई मसाला बिरयानी। रुको रुको इधर ही बाइक लगाओ। भैया कौन कौन सा बिरयानी है, मटन चिकन दोनों है कि? दोनों। अरे कौन सा खाएगा, मटन की चिकन? मटन मटन खाएगा, हम चिकन खाएंगे। एक प्लेट मटन कर दीजिए, एक प्लेट चिकन बिरयानी खाना है, फिर रहेगा नहीं बिरयानी भी खा लिया, हमारे बाइक का सर्विस भी हो गया, तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने चटिया के लिए। तो गाइस बिरयानी बहुत अच्छा था और उसमें मटन बिरयानी भी और चिकन बिरयानी भी, तो वहाँ पे चिकन बिरयानी मत खाइएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि चिकन बिरयानी का पीस बहुत टाइट था, मज़ा नहीं आया खाने में। मटन बिरयानी बहुत अच्छा था, मटन बिरयानी 150 रुपये प्लेट देगा और चिकन बिरयानी 100 रुपये, तो अब बेहतर है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन मटन बिरयानी अच्छा है। और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा हमारे नए वीडियो के लिए।